बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स 101। इसका फर्स्ट क्वेज आया है जो कि मैंने सॉल्व किया है, तो वो आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें इन अ क्लोज सिस्टम विद द मल्टी पार्टिकल, इफ टू पार्टिकल्स कोलाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मोमेंटम। मोमेंटम के लिए टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ओनली इफ द पार्टिकल आर एट रेस्ट। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। तो ये हमारे पास ट्रू है। इसके अलावा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज रिगार्ड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ओनली चेंज इफ द पार्टिकल हैव द सेम मैस। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2t। तो ये हमारे पास डी जो है ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एक ऑब्जेक्ट है 20 न्यूटन अप्लाइड की गई है उसके ऊपर फोर्स, और उसका मास 4 kg है और फॉर 6 सेकेंड। तो व्हाट इज द रिजल्टिंग ऑफ द, हमारे पास है जी चेंज इन द मोमेंटम। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो इसमें ज़रा मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम है तो एक पी एफ होगा, एक पी आई होगा, इज इक्वल टू एम तो सेम रहेगा, वी एफ होगा माइनस वी आई होगा, ठीक है। तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एम कॉमन निकाल लेंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइडेड बाय टी करें तो दोनों साइडों पे डिवाइडेड बाय टी किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वल आ जाता है एम ए। तो एम ए किसकी इक्वल होता है, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है चेंज इन मोमेंटम का। तो जस्ट आपने एफ और टी को मल्टीप्लाई करना है, आपने किसी और चीज़ को नहीं देखना, ठीक है। तो एफ आपके पास 20 है और एस आपके पास जो टाइम है वो 6 है, तो 6 2s are 12, 120 आंसर आना है यहाँ पे। आई थिंक ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 80 लगा हुआ है, तो ये 120 इसका आंसर जो है ये आता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमारे पास आ गया जी द गोल ऑफ द ऑल साइंटिस्ट, इनका गोल क्या होता है साइंटिस्ट का, ये हमने बताना है। टू मेक एवरी वन रिच नो, वर्ल्ड पीस नो, वर्ल्ड डोमिनेंट नो, प्रिडिक्टिंग नेचुरल इवेंट्स बेस्ड ऑन द नाउन पैटर्न, ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो है जी कंसीडर ऑब्जेक्ट ए एंड बी द सेम मैस, दोनों का सेम मैस है, ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग हायर वेलोसिटी देन द बी, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज मोमेंटम। मोमेंटम के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ ग्रेटर मोमेंटम देन द ऑब्जेक्ट बी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, व्हाई डू साइंटिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट
जो साइंटिस्ट हैं वो क्यों एक्सपेरिमेंट डिफरेंट रखते हैं? टू इंश्योर दैट द साइंटिस्ट तकरीबन यही देखने के लिए, टू वेस्ट द रिसोर्सेज नो, टू सेव द टाइम, टाइम सेव करने के लिए, टू कंफर्म दैट द डिस्कवरी इज नॉट अ लिमिटेड टू स्पेसिफिक कंडीशन और अ लोकेशन। तो ये देखने के लिए ये हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है ये ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक आया है जी, हाउ डज मैस डिफर फ्रॉम अ वेट? मैस मेजर्स अमाउंट ऑफ अ मैटर, और वेट जो है वो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, यही डिफर है, इसके अलावा कोई डिफर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास आ गया जी, ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर कॉन्स्टेंट स्पीड, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ ज़ीरो। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट, द फोर्स फ्रिक्शन नेग्लिजिबल द एक्सलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेज। तो चाहे वो डिफरेंट मासेज हो लेकिन उनका एक्सलरेशन सेम होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नाइन वाला है, द फोर्स फ्रिक्शन अगेन यही आ गया। टेन वाला हमारे पास है, इन द इन्वॉल्विंग सिस्टम इन्वॉल्विंग मैसलेस रॉक एंड मैसलेस रॉक बोथ द अंडर द टेंशन, एक मैसिव है और एक मैसलेस है, दोनों टेंशन में हैं, और स्टेटमेंट आपने बतानी है कि उनके क्या होगा। दोनों के जो रॉक की एक्सलरेशन होगा वो सेम होगा क्योंकि रस्सी के मैस पर कोई डिपेंड नहीं होता। ओके, तो ये हमारे पास इसका क्वेज था फिजिक्स 101 का। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और चीज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।